Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन ETF के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जो इस साल USA में लॉन्च हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। पर बिटकॉइन ETF का प्राइस चाहे कितना भी बड़ा हुआ दिख रहा हो आपको, पर ये फ्लक्चुएट भी तो होता होगा ना। चलो इसको समझने के लिए बात करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड जो बिटकॉइन के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। डिजिटल एसेट में खास करके बिटकॉइन में जब फंड ETFs में आते हैं या जाते हैं तब मार्केट में काफी असर होता है। जब लोग बिटकॉइन ETFs के शेयर खरीदते हैं तब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ती है, बट जब बिटकॉइन ETFs के शेयर बेचते हैं तब बिटकॉइन का प्राइस घट जाता है क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है। ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो मार्केट के सेंटिमेंट का पता लगाते हैं। इनफ्लो तब होता है जब इन्वेस्टर बिटकॉइन ETFs में शेयर खरीदता है जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और इंटरेस्ट को शो करता है। दूसरी तरफ आउटफ्लो तब होता है जब इन्वेस्टर अपने शेयर बेचते हैं जो एक पॉसिबल अकरेंस फीलिंग या मार्केट सेंटिमेंट में साइन ऑफ चेंज हो सकता है। ये पैसों का मूवमेंट यानी फंड का आना जाना असली बिटकॉइन का प्राइस से अलग होता है। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ने ETF के लॉन्च के बाद लगभग $9 बिलियन ETF का आउटफ्लो किया है, लेकिन US बिटकॉइन ETFs में नेट इनफ्लो अभी भी $7.35 बिलियन है। ब्लैक रॉक इंडस्ट्री और फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट जैसे फेमस खिलाड़ियों ने इसमें पैसे लगाए हैं जो शो करता है कि बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास के रूप में लोगों का ट्रस्ट और इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है। अब जानते हैं कैसे पड़ता है बिटकॉइन के प्राइस पर असर। बिटकॉइन के फंड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होने का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरकनेक्टेड। जैसे कि अगर इनफ्लो ऑफ फंड हुआ तो ये दिखाता है कि लोग बिटकॉइन में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसमें पैसा डाल रहे हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि प्राइस सीधा ऊपर जाएगा। उसी तरह अगर फंड आउटफ्लो हुए तो टेम्परेरी बेसिस पर कम भी हो सकता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि ये हमेशा प्राइस को ज्यादा नीचे लेकर जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया कि बिटकॉइन का प्राइस 6.7% तक बढ़ गया है, अब $62,000 तक पहुंच गया है। ये पहली बार है कि नवंबर 2021 से लेके बिटकॉइन ने $70,000 का प्राइस पॉइंट तोड़ दिया है। हालांकि बिटकॉइन की करंट प्राइस अभी $62,000 चल रही है। इससे दिखता है कि बिटकॉइन इन्वेस्टर के लिए बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्ट करने वाला ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कि ETFs का मार्केट में रोल क्या है। 11 जनवरी 2024 में स्पॉट बिटकॉइन ETFs का लॉन्च हुआ और वो तभी से बड़ी चर्चा में है जो डिजिटल एसेट की एक मार्केट पर बड़ा असर डाल रहे हैं। ETFs में फंड आने का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को बिटकॉइन में ट्रस्ट और उन्हें इन्वेस्ट करने का अच्छा ऑप्शन लग रहा है। इस ट्रेंड से बिटकॉइन का मार्केट भी बढ़ रहा है और डिजिटल एसेट को भी लोग पसंद कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन के बारे में। बिटकॉइन ETFs में ज्यादा फंड का आना डिजिटल एसेट की प्लेस में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इससे बेटर इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करके और इन्वेस्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे सकती है जो सस्टेनेबल ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट के डायनामिक्स और फ्यूचर्स का क्या, चलो ये भी बताते हैं। बिटकॉइन ETFs के ओवरऑल इनफ्लो में थोड़ा सा स्लो डाउन देखा गया है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस अब अपने हाई लेवल के आसपास। iBIT और FBTC जैसे ETFs में अभी भी ग्रोथ देखा जा रहा है जो दिखाता है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना हुआ है। बिटकॉइन का करंट प्राइस 62,000 है जिसमें छोटी मोटी फ्लक्चुएशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट है। पिछले महीने में प्राइस में 7% की ग्रोथ हुई है और इस साल के शुरुआत से 67% का तेजी से ग्रोथ देखी गई है। तो जैसे जैसे ETFs के प्राइस में ग्रोथ आ रही है वैसे वैसे लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। फ्यूचर का अभी सोचा जाए तो ब्राइट लग रहा है, लेकिन अगर सही से मार्केट के डायनामिक्स को समझकर इन्वेस्ट करा जाए तो अंत में बिटकॉइन ETFs में इनफ्लो एंड आउटफ्लो मार्केट के सेंटिमेंट्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। ये बिटकॉइन के प्राइस पर असर डालता है, लेकिन हाँ कुछ दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिसी में चेंजेस जो बिटकॉइन के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें ड्रॉप कर देना।